एक राजा को राज करते हुए काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार पर एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव और मित्रों और राजाओं को सभी को आमंत्रित किया। उस उत्सव की खुशी में सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि यदि वे चाहे तो उस नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर उसे दे सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबला वाला ऊँघ रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कार ने क्यों कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब ये बात गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरे उस नर्तकी को सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतार कर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने वैश्या होकर भी सबको लूट लिया है। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा, इसको तुम वैश्या मत कहो, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी है। ये कह रही है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में वैश्या का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई, मैं तो चला। ये कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस वैश्या ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी मत करो, कभी तो तेरी शादी होगी ही, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली हो। युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस वैश्या ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल, आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है, धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राजतिलक कर दूं? फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राजतिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर वैश्या ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय वैश्या ने भी वैराग्य आ ले लिया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम स्मरण करूँगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की दो लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।